पलटूरा में आओ कुछ है, उसको वोट कुछ देगा जी, वोट दे के समझता है कुछ कर देता है। विकास पुरुष है बिहार के, कुछ कुछ पुरुष कुछ विकास नहीं है। दारू बंद कर दिया, दारू बिखी रहा है ब्लैक में, गरीब लोग बेचारा मर ही रहा है। दहेज प्रथा बंद किया, कहाँ दहेज प्रथा बंद है, कुछ तो बंद नहीं है। लालटेन को दें, लालटेन से सर्वजीत कुमार है इस बार जी, उसी को वोट दीजिएगा जी। भारी है सर्जीत कुमार या जितेंद्र मांझी, किनको वोट दीजिएगा? हाँ तो आरजेडी का ज्यादा उम्मीद है इधर, लगता है सर्जीत कुमार ही जीतेगा। हाँ और जितेंद्र मांझी भी है उनके सामने। हाँ है, लेकिन यहाँ पे जितेंद्र मांझी का कम वोट है। किसकी संभावना है जीतने की? तो ईवीएम मशीन ना बताएगा। अच्छा ईवीएम नहीं, जनता क्या? चलिए आप व्यक्तिगत तो वोट देने वाले हैं। हमने तो आरजेडी है। आरजेडी है? हाँ हाँ। अच्छा सर्जीत कुमार, सर्जीत कुमार क्या? हाँ अभी हम मौजूद हैं गया में, और ये गया का चाकंद इलाका है, और गया से जो है इस बार एनडीए ने जीतन राम मांझी पर भरोसा जताया है, और जो इंडिया गठबंधन है उसमें से राजद ने सर्वजीत कुमार पर भरोसा जताया है। और हम यहाँ के गया की जनता से पूछेंगे कि किस पर भरोसा करेंगे, जीतन राम मांझी पे या सर्वजीत कुमार पे, वोट दीजिएगा? वोट देंगे नहीं। हाँ तो किसको दीजिएगा? अब देखा जाए जिसका विजय होगा उसका। जीतन राम मांझी हैं, उनके सामने सर्वजीत कुमार हैं, तो किसको दीजिएगा? जो सबको सबको देगा, जिसको हम भी दे देंगे, जो जीतने लग रहेगा उसको देंगे। जीतने लग आपके हिसाब से कौन है? देखा जाए समय के ऊपर नहीं बताएगा। एक इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, बीजेपी, वो देखा जाए जो समय आएगा तब देखा जाएगा किसका वोट पड़ेगा। देखा जाएगा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखा जाएगा। किसको वोट दीजिएगा? आरजेडी का हरा झंडा गा रखी है तो ललटेन को दें। ललटेन को, ललटेन से सर्वजीत कुमार है इस बार जी, उसी को वोट दीजिएगा जी। अच्छा जीतन राम मांझी में क्या कमी है? जीतन राम मांझी तो बीजेपी का है ना, तो हम लोग शुरू से आए हैं आरजेडी के साथ। अच्छा शुरू से आरजेडी समर्थक हैं, इसलिए इनको जी झंडा भी ओढ़ के रखे। हाँ ये तो हम लोग का ललटेन का पहचान है। लालटेन पर इतना क्यों भरोसा है? लालटेन पर भरोसा है कि देखिए, कहने का मतलब है कि मियां यादव हम लोग मिल के रहते हैं। अच्छा। हम लोग यादव के बीच में रहते हैं। हाँ। का समझे, सुलेंदर यादव अगर उठ रहा है जहानाबाद से तो मेरा घर काको है। मुस्लिम और यादव मिल के रहते हैं जी। तो जो MY समीकरण का जो आरोप लगता है यानी कहीं ना कहीं सही है कि ये जो राजद है कहीं ना कहीं सिर्फ यही दोनों को लेके चलती है जी, ये समर्थन में है कि सही में लेके चलती ही है सिर्फ मुस्लिम और यादव को। और कुछ लोग हैं यहाँ पे समोसा खाते हुए, उनसे पूछेंगे जरा वोट दीजिएगा इस बार, वोट दीजिएगा ना, किनको दीजिएगा, किनको दीजिएगा? एक सर्वजीत कुमार हैं इंडिया गठबंधन से राजद से, एक एनडीए से जीतन राम मांझी हैं, किनको दीजिएगा? लालू के दे सकते हैं, लालू को दीजिएगा। हाँ राजद से पार्टी से सर्वजीत कुमार हैं, उनको दीजिएगा। हाँ सिर्फ लालू के पार्टी से इसलिए वोट दीजिएगा। हाँ। बाकी जो इंसान है वो जो प्रत्याशी है उन्होंने काम किया है या नहीं किया है उसको देख के दीजिएगा। हाँ देंगे, लालू को ही दीजिएगा, लालू की पार्टी है राजद इसलिए दीजिएगा। हाँ इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है उन्हीं वजह से देंगे। आप वोट दीजिएगा चाची? तो देंगे ना, किनको दीजिएगा? हम तो जिसको देते हैं उसको देंगे। किसको देते हैं आप? हम देंगे तो मोदी को देंगे। अच्छा यहाँ एक बात सबसे मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्याशी की बात नहीं होती है, प्रत्याशी के नाम से लोग जानते भी नहीं है कि उनके उनके जगह से कौन से प्रत्याशी है, क्योंकि मोदी की पार्टी है इसलिए देना है, लालू की पार्टी है तो इसलिए देना है। तो कमल मैडम जाके कीजिएगा ना, यहाँ से जीतन राम मांझी जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं। मोदी और लालू का तय नहीं किया है किसको देंगे। हाँ। दोनों में ज्यादा कौन पसंद है? मोदी जी और लालू जी दोनों पसंद है। हाँ। अच्छा, लेकिन दोनों के बीच टक्कर है अभी। हाँ। अच्छा दोनों का वोट दे सकते हैं, दोनों को वोट दे सकते हैं। अच्छा क्या बोल रहे हैं, वोट किसको दीजिएगा चाची? वोट देते हैं ना, हाँ किसको दीजिएगा इस बार? जिनका जीत होते जिनका में देवेगा, जो जीतेगा आप लोग क्या बोल रहे थे, किनको देता है? बोलते जो देश का रक्षा करेगा उसी ना, मोदी वो मोदी तो करते हैं देश का रक्षा। देश की रक्षा तो हमारी आर्मी भी आर्मी करती है, मोदी जी कैसे देश की रक्षा करते हैं? मोदी जी हमको खाना दे रहा है, हर चीज देवे कर रहा हूँ, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं चाचा? मोदी जी खाना दे रहे हैं, अनाज जो देते हैं इसलिए वोट दीजिएगा। और क्या क्या करते हैं मोदी जी? मोदी जी सबका कपल आता देता है, गमछा देता है, सब चीज गमछा भी देते हैं, बोले हुए हैं भगवान। आपको भी देते अनाज मिलता है आपको भी? हाँ मिलता है, इसलिए देना है, ठीक।
करते हैं। मुस्कुरा रहे हैं चाचा, आप भी वोट दीजिएगा ना। हाँ, किसको दीजिएगा इस बार? मोदी जी का देंगे वोट। अच्छा, मोदी यहाँ से कौन से प्रत्याशी उठे हैं पता है? हम बाहर का आदमी हैं। कहाँ के हैं आप? हम पटना का आदमी। अच्छा, पटना में, पटना साहब रविशंकर प्रसाद आपके इधर से है अभी। चलिए, क्या नाम? यहीं से है ना? हम, मेरा घर पाई भी होगा। गया क्षेत्र में पड़ता है? गया क्षेत्र में पड़ते हैं। तो इस बार गया में किसको वोट पड़ेगा? गया में किसको पड़ेगा? कुमार या जीतनराम मांझी? जीतनराम मांझी का पड़ेगा। जीतनराम मांझी क्यों दीजिएगा? जीतनराम मांझी, जीतनराम मांझी क्या कारण है? वो अभी हमारे देख रेख में ठीक ठाक चल रहे हैं, इसके कारण चल रहे हैं। हाँ, रजित कुमार भरोसा नहीं जताता? नहीं नहीं, उसको नहीं जता रहा। अच्छा ठीक, चलिए धन्यवाद। क्या नाम हो चाचा? मोहम्मद सलीम। गया से ही नहीं थे, क्षेत्र से है ना? हाँ। इस बार किसका पर्दा भारी है, सरजीत कुमार या जीतन राम मांझी? किनको वोट दीजिएगा? मत के दान है। हाँ? मत के दान है। हाँ, तो किनको दीजिएगा? एक तरफ एनडीए मत के दान है तो किनको हम कह दें? अच्छा, मत में दीजिएगा। मतलब काम आपको अच्छा कौन लगता है? क्या लगता अच्छा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? जीतन मांझी। जीतन राम मांझी। अच्छा, जीतन राम मांझी को देंगे? बता भी दिए कि जीतन राम मांझी को ही देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। ईद भी है जी, मुबारकबाद आपको जी। इधर से क्या लगता है, इस क्षेत्र से किसकी संभावना है जीतने की? इधर से तो दोनों पक्ष का सेम है, इसे हाँ। कह नहीं सकते बीजेपी जीतेगा या आरजेडी, बट यहाँ पे कांग्रेस का बहुत कम चलता है। तो आरजेडी का यहाँ पे ज़्यादा वोट है, तो आरजेडी कांग्रेस आरजेडी के साथ है ना, यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी है। हाँ, तो आरजेडी का ज़्यादा उम्मीद है इधर, लगता है सरजीत कुमार ही। हाँ, और जीतन राम मांझी भी है उनके सामने। हाँ है, लेकिन यहाँ पे जीतन राम मांझी का कम वोट है। कम वोट है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा सर, इस क्षेत्र से किसकी संभावना, गया से किसकी संभावना है जीतने की? अब तो ईवीएम मशीन ना बताएगा। अच्छा, ईवीएम नहीं, जनता बताएगी ना, जनता क्या? चलिए, आप व्यक्तिगत तौर पे बताइए कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है, इंडिया या एनडीए? हम कैसे बता दें अभी आपको? आपका तो व्यक्तिगत पसंद होगा ना, लेकिन हमको ये पार्टी पसंद है, ये काम करती है। पसंद है, सब काम करती है, सब काम करती है सब। यहाँ से जीतन राम मांझी हैं और उसके अलावा सरजीत कुमार है, क्या लगता है देखिए जीतने की संभावना? अब देखिए, चांस तो दोनों का है। दोनों का है? अच्छा, एक की नहीं, दोनों की चांस है, लेकिन जीतना तो एक ही को है। एक ही को है, बाकी आप तो जानते बताएंगे ना, जनता में से एक आप भी हैं। हम भी हैं, तुम्हें प्रदीप कुमार मेरा नाम। आपके क्षेत्र से दो प्रत्याशी हैं, एक एनडीए एक इंडिया, सरजीत कुमार हैं और जीतन राम मांझी हैं, ज़्यादा क्या लगता है किसकी संभावना है? देखिए, टक्कर तो बड़ा जबरदस्त है, देखिए कौन निकल जाते हैं। हाँ, दोनों पार्टी ठीक हैं, समझे ना? हाँ हाँ, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं किसकी हो? अब हम कैसे बताएंगे? तो भाई, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो तो भाई वो भी अच्छे आदमी हैं ना। हो डॉक्टर, सुना सुनना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद जुबैर। इसी क्षेत्र से है ना? जी हाँ, चाकनबाड़ा घर में। हाँ, दो प्रत्याशी हैं, सरजीत कुमार जीतन राम मांझी, क्या लगता है किसकी संभावनाएं हैं? देखिए, हम तो बता नहीं सकते, वोट निकलने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन आपकी पसंद, आपके पास आपको ज़्यादा कौन पसंद है, एनडीए या इंडिया? नहीं, एनडीए। एनडीए? एनडीए। हाँ। वाह, जीतन राम मांझी जी? अच्छा, क्यों जीतन राम मांझी? क्योंकि जीतन राम मांझी अभी बीजेपी के साथ ही है। जी हाँ, बीजेपी के साथ ही है, इसीलिए बीजेपी मोदी सरकार जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। और ऐसे लोग जो चाहे उसको, उनको बुरा भला कहे, लेकिन बनना है उन्हीं का सरकार। क्या ना, आपने क्या कहा कि बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी पे बार बार आरोप लगता है। हाँ, वो जो है मुस्लिम्स के विरोध में काम कर रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। क्या दो काम ऐसे बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उनका? बहुत ऐसा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जाति धर्म देख के तो दी नहीं जाती। राशन कार्ड में जो अभी 5 साल के लिए जो बोला गया है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए मसीहा है, समझिए कि ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है कि इस बार जो बिहार एकदम बिल्कुल एकदम इंडिया साथ जाएगी बीजेपी, एकदम 100% एकदम। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सारी पार्टियां कहती है कि नहीं, हम आपके मसीहा हैं, हम हमको इधर आना चाहिए। कुछ बोलने से उसका पार्टी बनने वाली बात नहीं है, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार बनेगा एकदम तय है, इसको कोई रोक नहीं रहा है, कोई नहीं रोक, बिल्कुल एकदम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष सिंह। क्या लगता है मनीष जी, कौन, सरजीत कुमार या जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी का
फंड बहुमत मिलेगा और मोदी जी का 400 से पार, 400 पार जी। विपक्ष कह रही है कि जुमला है सिर्फ 400 पार, नहीं नहीं सत्य है। क्यों 400 पार होना चाहिए? क्योंकि 10 सालों में ये बहुत कुछ किए जो 70 वर्ष में नहीं किए। हमारी यहाँ की सड़कें जो थी, जब लोग डगर मगर चलते थे, आज आराम से चल रहे हैं, पैदल भी चलते हैं तो नहीं गिर पाते हैं। उनकी सरकार में क्या थी कि साइकिल नहीं थी, बिजली भी अदर व्यवस्था थी, एक महीना सालों साल पर बिजली आती थी। हम लोग उत्सव मनाते थे कि बिजली आई बिजली आई। जब से इनकी सरकार आई तो देखे 10 वर्षों में हर घर में बिजली है, हर घर में सड़क है, हर घर में जल योजना है। इससे मैं इससे प्रभावित होता है कि नरेंद्र मोदी को खुल के सब देशवासियों वोट दें, 400 से पार उनकी आंकड़ा है जो होगा। उनका जो नारा है वो सही है, दम, हाँ, दम 400 पार, दम 400 से पार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चंदन कुमार, ये बता सकते हैं क्या नाम हुआ सर आपका? मैं बलराम कुमार हूँ, चाकान ग्राम गंगापुर के रहने वाला हूँ। किनको वोट देने वाले हैं? हमने तो आरजेडी है। आरजेडी है? हाँ हाँ। अच्छा, सरजीत कुमार? सरजीत कुमार क्या हम? अभी भाई साहब कह रहे थे कि क्षेत्र में हाँ बीजेपी ने काम किया है। काम तो हमको नजर नहीं आ रहा है। नहीं नजर आ रहा है? ना, नजर तो नहीं आ रहा है, खाली 5 किलो अनाज नजर आ रहा है। हाँ। और कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या दिक्कत है? गरीबों का पेट भर रहा है। 5 किलो अनाज में कौन पेट भर रहा है? 5 किलो अनाज में कैसे हो जाएगा? लोग कह रहे हैं कि देंगे, मोदी को ही वोट देंगे, बहुत काम। ठीक है, दे, अपना अपना मत है अपने देश। 4 किलो मिल रहा है, 5 किलो, 4 किलो ही मिल रहा है, ये 5 किलो कह रहे थे, 4 किलो डीलर है इसलिए बोल रहा, समझ गए ना, 4 किलो मिल रहा है। आगे बोल रहे हैं, कोई से पूछ लीजिए इतना मैंने जनता से कितना मिलता है, क्या किलो मिला है वो अनाज, कितना किलो मिलता है? 4 किलो। हाँ पूछिए। 4 किलो नहीं मिलता है, बताते हैं, मिलता है 5 किलो। लेकिन क्या होता है कि हम लोग में क्या है कि कमी है, क्योंकि हम लोग उस चीज को फाइट नहीं कर रहे हैं कि 5 किलो दीजिए। मैं तो 5 किलो लेता हूँ, क्योंकि दीजिए नहीं तो क्लेम कर देंगे, मेरी भी गलती है। 5 किलो राशन आती है, लड़के लेते हैं जी, लेते हैं हक भी, लड़के क्यों नहीं लेंगे? ये मेरा 5 किलो का राशन वाजिब है, हम आपका गलती हैं। इन लोग क्या करते हैं, जो डीलर जो हैं, इन लोग के ब्लैक मार कर देते हैं कि हम नाम हटवा देंगे। हाँ, अगली बार जाइएगा तो हक से लड़के 5 किलो अनाज दीजिएगा कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आप सर? अच्छा, जा रहे हैं बाबा, हो गया, ठीक है। और सब भी है, आरजेडी समर्थक भी यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, हरा हरा गमछा बांधे हुए। पलटूरा में आओ, कुछ है उसको वोट कुछ देगा जी, वोट दे के समझता है, कुछ कर देता है। विकास पुरुष है बिहार के? कुछ कुछ पुरुष, कुछ विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं है, बताइए कुछ ही विकास है। कह रहे थे जब हम नहीं थे तो जंगल रहा, दारू बंद कर दिया, दारू बिखी रहा है ब्लैक में, गरीब लोग बेचारा मर ही रहा है। दहेज प्रथा बंद किया, कहाँ दहेज प्रथा बंद है? कुछ तो बंद नहीं है, जेचू बंद क्यों चीज महंगा हो गया? तो लागू करने की कोशिश तो करते हैं ना, ये कमी आपकी और हमारी है कि हमको पीना ही है। हम लोग से करने से क्या होगा, पीना ही है। उससे बढ़िया था चालू था, डॉक्टर चेक करके देता था, आदमी पीता था। अच्छा, शराबबंदी वजह से इनको गुस्सा है कि शराबबंदी से गुस्सा नहीं है, मतलब कि दहेज प्रथा बंद, ना दहेज प्रथा बंद किया, कोई आदमी मतलब तिलक ले शादी करता भी ना, बताइए। तो देखिए वो कर रहे लागू, जो चीज दहेज देने के लिए मना कर दीजिए कि हम एकदम नहीं लेंगे। बना नहीं बताइए कि पूरे भारत में अगर पेमेंट पर अगर चले आदमी तो नरेंद्र मोदी की 4 गाड़ी चल पीछे उतना फुर्स ना सकता। आप अपने खुद से कीजिए, आप दहेज लेके बिना दहेज की बिना शादी कीजिए। नहीं नहीं, हम कहीं से सुधार जाएगा पूरी दुनिया, बताइए। क्यों नहीं, शुरुआत खुद से करते हैं, दूसरे का क्या जिम्मेदारी है? वही तो आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पेमेंट से वो मतलब को क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जितना पेमेंट है उतना से 4 गाड़ी से घूम लेंगे अपना। वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, चलना पड़ता है, किनके प्रोटोकॉल में चलता है, और हमारे आम जानता है तो मार देना जे, बताइए आप, प्रोटोकॉल है वो, प्रोटोकॉल के बिना नहीं चल सकते हैं, उनका एक तरीका है चलने का। हम लोगों की ना देने की प्रधानमंत्री बने, वो तो है ही, वो तो आपकी ही देन है, आपकी और हमारी ही देन है कि वो प्रधानमंत्री बने। चलिए, इंसानियत से चलेगा आदमी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमारे साथ गया की जनता थी, जब उनसे पूछा गया कि क्या लगता है जीतन राम मांझी या सरबजीत कुमार, तो सबकी अपनी अपनी राय है, किन्हीं का कहना है कि नहीं जीतन राम मांझी सही हैं क्योंकि एनडीए में है, और सरबजीत कुमार का भी क्योंकि यहाँ राजद के काफ़ी समर्थक हमको दिखे तो उनकी भी संभावना कह सकते हैं कि है। दोनों में कांटे की टक्कर है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन होगा, लेकिन आपको हमारी मेहनत कैसी लगी और हमारी कोशिश कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।